हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इसलिए हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि लेंस जब हम बनाते हैं तो उसके पास दो कॉन्वेक्स सरफेसेस होते हैं। तो पहले हम एक सरफेस को स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद एक रिलेशन ड्राइव करते हैं और वो रिलेशन हमें बताती है कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से जब रे पास होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब मिलकर एक इक्वेशन हमें देते हैं और उस इक्वेशन की मदद से हम लेंस को आसानी से बना पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं क्योंकि हमें एक कॉन्वेक्स सरफेस बनाना है। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स सरफेस हो गया और ये कॉन्वेक्स सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, तो या तो उसे म्यू टू मान लीजिए आप या एन टू मान लीजिए। और एक रे पास होकर यहाँ से जा रही है जो अनडेविएटेड है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने रखा है, इसमें कुछ कंसिडरेशंस भी हमने लिए हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे वो बहुत छोटा होगा और वो ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाएगा, उससे दो रे निकलेंगी। एक रे जो है जो हमने प्रिंसिपल रे मानी है उस डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी जो रे है वो एक एंगल पर जाकर सरफेस को हिट करेगी और अपना रिफ्रैक्शन शो करेगी। चलिए तो यहाँ से एक रे हम कंसिडर करते हैं। बिन एरो के रे का कोई मतलब नहीं होता है। और जब इस सरफेस पर हिट करेगी तो यहाँ इसको एक चीज़ को डिसाइड करना होगा, इसको ये डिसाइड करना होगा कि उसको रिफ्रैक्ट करना है या नहीं करना है, उसको अलोंग द सरफेस जाना है, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए रे को सबसे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा हमें। इस नॉर्मल को जब हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो ये जिस पॉइंट पर कट करता है उस वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यानी कि ये स्फीयर, एक स्फीयर से लेकर जब हमने इसको बनाया होगा तो उसका एक सेंटर रहा होगा और उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी कि ये जो कर्व है इसका जो सेंटर होगा दैट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट हमने जहाँ रखा है उसको ओ मान लेते हैं। जिस पॉइंट पर इसने कट किया है उसको पी मान लेंगे ना, ये पी है, ये ओ है, ये सी है। उसके बाद इस रे को ये डिसाइड करना है क्योंकि ये जो मीडियम है ये रेयरर है, ये मीडियम रेयरर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एन वन मानते हैं। नाउ ये वाली जो रे है ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ये रे जब टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ क्यों होगा। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ इसलिए होगा क्योंकि इमेज के फॉर्म होने की कंडीशन ये है जहाँ पर दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये वाली रे जो है इसी दूसरी रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस वाले डायरेक्शन में है, यानी कि वो खुद को बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेगी। और ये दूसरी रे है और इन दोनों ने यहाँ खुद को इंटरसेक्ट किया तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन आई यहाँ पर हो गया। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें जानना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो रे सरफेस पर हिट करती है और नॉर्मल के साथ बनाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो एंगल है जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, तो एंगल आर ये हो जाएगा, ठीक है। ये रे जो ऑब्जेक्ट से गई है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है, उसको अल्फा मानते हैं। ये आपको याद रखना है, हर केस में उसको अल्फा मानते हैं। कॉन्केव करेंगे तब भी अल्फा ही मानेंगे और कॉन्वेक्स के केस में भी अल्फा ही मानेंगे। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करके इमेज बनाती है उस एंगल को बीटा मानते हैं, और जो नॉर्मल को फर्दर एक्सटेंड जब हम करते हैं और वो जो एंगल बनाता है उसको हम गामा मानते हैं। दैट एंगल इज नोन एज गामा। उस एंगल को गामा जब हम मान लेते हैं तो ये हमने गामा यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें हम ट्राइंगल्स लेंगे, आई और आर की मदद से एक एक रिलेशन तैयार करेंगे। तो हम ट्राइंगल्स ऐसे लेते हैं इसमें आई आर और ये सब आ सकें। थ्योरी आपको थोड़ी सी लिखनी होगी एग्जाम में जब आएगा, आपको बताना होगा ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसको एस मान लीजिए, इसको एस डैश मान लीजिए, और एक ऑब्जेक्ट से दो रेज आ रही हैं वो रेज हिट करेंगी, ये एक पॉइंट होगा इस पॉइंट को ए मान लीजिए, यहाँ पर ये अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एक पॉइंट होगा जिसको एम मान लीजिए, ये पॉइंट पोल है इसको पी से डिनोट करेंगे। तो हम एक ट्राइंगल पहले लेते हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अगर हम एक इसको कंसिडर करते हैं हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल सी ओ ए
इन ट्राइंगल सी ओ ए, कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने, सी ओ ए। ये ट्राइंगल जो सी ओ ए लिया है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो अल्फा प्लस गामा विल गिव यू आई, देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, आपको मिलेगा अल्फा प्लस गामा किस ट्राइंगल में, सी ओ ए में। इसी तरह हमें आई की तरह आर की वैल्यू निकालनी है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है टेंथ में आपने क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर, उसका हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आई और आर निकालते हैं, ये इसका पहला स्टेप है। आर के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है टू फाइंड आउट द आर, देखिए जरा आर किस में है, आर है ये रहा। तो आर के लिए हमें निकालना पड़ेगा सी आई ए, तो इन ट्राइंगल सी आई ए गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, ऐसा करके कुछ टेंथ में होता है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, इसी को जब आप आगे देखेंगे तो R इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल गामा माइनस एंगल बीटा, यानी कि I और R की हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं। और छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कॉन्स्टेंट एंड नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अगर हम इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू साइन आर। देखिए ये जो पॉइंट है ना, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है, क्योंकि ये अपर्चर बहुत छोटा है तो ये ए लगभग लगभग पी के पास होगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के पास होंगे तो ये एंगल आई बहुत छोटा होगा, और एंगल आई बहुत छोटा होगा तो एंगल आर भी बहुत छोटा होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री ने हमें सिखाया है कि हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे साइन आई को आई मान लेंगे, दैट मीन्स एन वन आई इज इक्वल्स टू एन टू आर, ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। ओके एन वन आई इज इक्वल टू एन टू इन टू आर, थोड़ी जगह कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड भर गया, थोड़ा स्पेस है। तो हमने पढ़ा एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो आई है वो आई नहीं है, वो आई हमारा था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आई की वैल्यू थी अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और R हमारा आया था गामा माइनस बीटा, R इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस R, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए तो हमारा ये हो जाएगा N1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू N2, नाउ R इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ये वैल्यू हमें मिलती है, देखिए यहाँ पर एक मैथमेटिकल मैथ्स जिनका स्ट्रॉन्ग है वो जरा जल्दी समझ पाएंगे, और जिनका नहीं है वो भी समझ पाएंगे। N1 वाले में भी गामा आ रहा है और N2 वाले में भी गामा आ रहा है, तो गामा वाली टर्म्स को हम एक तरफ रख लेंगे और अल्फा बीटा वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल्स टू एन टू गामा माइनस एन टू बीटा। एन वन अल्फा प्लस एन टू बीटा इज इक्वल्स टू एन टू गामा माइनस एन वन गामा। एन वन अल्फा प्लस एन टू बीटा is equals to n2 minus n1 into gamma. I think it is clear to you. ये values आने के बाद
आपको एक दूसरा एक्सप्रेशन मिल गया। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने आई और आर निकाला, आई और आर निकालने के बाद साइन आई अपॉन साइन आर रखा, साइन आई अपॉन साइन आर रखने के बाद हमने उसमें जो है वैल्यूज रखी, और वैल्यूज रखने के बाद हमने ये वैल्यू हमें मिल गई कि n1 अल्फा इज इक्वल्स टू n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, एंड फाइनली वी गॉट द वैल्यू। ना अल्फा बीटा क्या है ये हमें थोड़ा सा पता करना होगा। देखिए जहां पर इमेज बनेगी वो डिस्टेंस यहां से क्या कहलाएगा, v। ये इस पॉइंट से c तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, r। जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उस तक की दूरी क्या कहलाएगी, u। और कंडीशन क्या है, ये u कैसा होगा, माइनस, क्योंकि ये एक्सिस के इधर है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा भी बहुत छोटा होगा क्योंकि ए एम के पास है, तो ये एंगल ऐसे है, अगर ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक होंगे तो इन दोनों के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है ये एंगल कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर ये दो हैं और ये अगर एक एंगल है और ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के पास हैं, तो ये एंगल वेरी लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा को हम जानते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ने हमें ये भी सिखाया है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कब, जब थीटा इज वेरी लेस, और थीटा इज इक्वल टू tan थीटा व्हेन थीटा इज वेरी लेस। नाउ वी विल अप्लाई दिस थिंग, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan अल्फा, क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, तो हमें tan अल्फा, tan की वैल्यू निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक रेशियो पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि वैल्यू ऑफ tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले हम निकालते हैं कि अल्फा की क्या वैल्यू है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जरा देखते हैं इसमें क्या होगा, सी ओ ए, इसके लिए जो एंगल के लिए जो बनेगा ट्रायंगल वो बनेगा ओ एम ए, ये अल्फा में डिसाइड करना है। तो अल्फा में देखिए, अल्फा में बेस क्या है, ओ एम, ओ एम, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए एम। ओके, ए एम क्या है, बेसिकली ए पी और एक बी की बीच की क्या है, हाइट, तो ये पॉइंट क्या हो गया, एच, तो ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, एच। ओ एम देखिए, पी और एम एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, तो ये जो ओ एम है ये ओ एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा पी ओ के, और पी ओ के, तो ओ एम इज इक्वल्स टू पी ओ, देयर फोर एच अपॉन पी ओ, और पी ओ बेसिकली क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पी ओ इज माइनस यू। ओके, सिमिलरली फॉर बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू ए एम फॉर बीटा, ए एम अपॉन एम आई, ए एम अपॉन एम आई, ए एम इज इक्वल्स टू एच, और एम आई दोबारा से किसके बराबर हो जाएगा, ये एम आई पी आई के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और ये पी आई के बराबर हो जाएगा, देयर फोर एच अपॉन, और पी आई की वैल्यू नोन है, पी आई की वैल्यू है वी। सिमिलरली फॉर गामा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन, ए एम अपॉन सी एम, ए एम अपॉन सी एम, और सी एम किसके बराबर है, सी पी के, देयर फोर एच अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन सी पी किसके बराबर है, आर के, सी पी इज इक्वल्स टू आर। एक बार दोबारा समझते हैं, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, तो अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, क्योंकि हमने अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा लिखा, देयर फोर tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमने देखा ए एम है और बेस हमारा ओ एम है, ओ एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी ओ है, और पी ओ की वैल्यू माइनस यू है, और ए एम की वैल्यू एच है। सिमिलरली इन द केस ऑफ बीटा, सिमिलरली इन द केस ऑफ गामा, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज मिल चुकी हैं, इस इक्वेशन में हम ये इन वैल्यूज को पुट कर देंगे।
यानी कि इसको इसको और इसको, तीनों को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो फाइनली बन जाएगी वो बनेगी एन वन ओके अल्फा इज इक्वल्स टू एच अपॉन माइनस यू प्लस एन टू इंटू बीटा और बीटा की वैल्यू है एच अपॉन वी इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन एन टू माइनस एन वन इंटू गामा और गामा की जो वैल्यू है वो है एच अपॉन आर गामा इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर एन वन एच अपॉन यू प्लस एन टू एच अपॉन वी इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन एच अपॉन आर ये वैल्यू समझ में आ रही है ये जो वैल्यू है एन वन क्योंकि माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा तो हम एन टू को इधर लिख लेते हैं एन टू इंटू एच अपॉन वी माइनस एन वन एच अपॉन यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन एच अपॉन आर ये इक्वेशन आने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर एन टू माइनस एन वन आना चाहिए और यहाँ पर भी एन टू माइनस एन वन ये तो पहले ही आ जाएगा अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपने जो वैल्यूज़ जो रखी हैं वो साइन में कुछ गड़बड़ कर दी है आपने क्योंकि लास्ट में ये एक्सप्रेशन आना ही होता है भले ही कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो वो n2 माइनस n1 इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 ही आएगा और h अपॉन r उधर होगा और v इधर होगा और u इधर होगा तो ये आपको अगर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है तो एक बार रीचेक करिए आप कि वैल्यूज जो आपने रखी हैं वो अप टू द मार्क हैं या नहीं देखिए h अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें और ये h है तो h का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो h को हम हटा देते हैं क्योंकि ये कैंसिल कर देगा n2 टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर इसको जरा दोबारा समझिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट है डेंसर का ये रेयरर का है अगर हम एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं डेंसर टू रेरियर और उसको रेयरर उसको मान लेते हैं n तो n इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन तो इस पूरे में एन वन का आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एन टू n2 अपॉन n1, n2 n1 अपॉन n1 और ये पूरा भी अपॉन n1 तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 हमने किसके बराबर लिया है n के therefore n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 सॉरी n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा n n माइनस वन अपॉन आर दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल एक्सप्रेशन ओके ये मैंने एन माना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकिन अगर आप कुछ और बुक्स को टैली करते हैं उनसे अगर आप पढ़ते हैं तो वो उसको एन की बजाय जो हमने एन टू माना है वो उसको म्यू टू मानते हैं क्योंकि म्यू जनरली हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं और सीबीएसई में बेसिकली उन्होंने उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से ही डिनोट किया है तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन और यहां पर अपॉन में आर यहां पर अपॉन में वी और यहां पर अपॉन में यू ये आपको याद रखना है जो यहां पर एन वन है वो बेसिकली म्यू वन है यहां पर ये जो एन टू है ये बेसिकली म्यू टू है और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है ओके तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने आई और आर की वैल्यू निकाली आई और आर पहला स्टेप क्यों है क्योंकि स्नेल्स लॉ ही हमने अपनी जिंदगी में पढ़ा होता है टेंथ तक उससे ऊपर कुछ भी हमने पढ़ा नहीं होता तो साइन आई अपॉन साइन आर करने के लिए आई की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए आई की वैल्यूज हमें अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में मिलती हैं तो अल्फा बीटा गामा को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो एंगल बहुत छोटे हैं क्योंकि अपर्चर ही बहुत छोटा है तो वो दोनों पॉइंट ए और एम एक दूसरे के बहुत ए और एम बहुत नज़दीक होंगे तो वो एंगल भी बहुत छोटे हो जाएंगे छोटा एंगल होता है तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा हो जाता है तो उसका हम टेन अल्फा निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखते हैं और तीनों की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज वी यू और आर के टर्म में मिलती हैं और उनको पहले वाली इक्वेशन में रखते हैं और फाइनली वी गॉट द एक्सप्रेशन तो इसमें बस इतना ही नेक्स्ट टाइम हम लेंस मेकर फार्मूला करते हैं और जानते हैं कि लेंस फॉर्म इसकी मदद से कैसे होता है और इसी के एक सेकेंड पार्ट है कॉनकेव
वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।